अस्सलाम वालेकुम। हमारा अगला लेक्चर है कि सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, कि हमने दो रेडिकल इक्वेशन या तीन रेडिकल इक्वेशन का जमा किस तरह मालूम करना है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम फर्ज के हमारे पास ये दो रकमें x की 2 जमा 3x जमा 9 अंडर रूट, और दूसरी रकम हमारे पास है x की 2 जमा 3x जमा 4 अंडर रूट बराबर है 5 के। तो हमें इसका सोल्यूशन सेट मूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड इसमें देखें, ये x की 2 जमा 3x यहाँ पर इस चीज़ को हमने b के बराबर फर्ज कर लेना है। तो लेट b इज इक्वल टू x की 2 जमा 3x, क्योंकि ये सेम एक जैसे हैं तो हमने इसको b के बराबर फर्ज कर लिया। तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे लिया स्टार्ट का। अब इसकी कीमत दर्ज कर दें, तो यहाँ पर b जमा 9 अंडर रूट बी जमा 4 अंडर रूट आ जाएगा, ये बराबर है 5 के। अब हमने क्या करना है कि इसके दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेना है, तो लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी स्क्वायर ले लेना है। तो ये बन जाएगा बी जमा 9 और अब इसका मुरब्बा खोलें, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 इंटू ए इंटू बी, ये बड़ा फार्मूला यहाँ पर लगा के इसको एक्सपेंड कर लें। ये जजर के साथ मुरब्बा कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बी जमा 9 बी जमा 4 जमा 2 इंटू, अब ये आपस में ज़रब खा रहे हैं तो ये बन जाएगा बी जमा 9 इंटू बी जमा 4, बराबर आ जाएगा 25 के। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है इसको हमने क्या करना है, दूसरी साइड पर ले जाना है, या 2 भी बन जाएगा बी और बी आपस में जमा हो जाएंगे, 9 जमा 3 4 13 हो गए। अब इसको अंदर आपस में ज़रब दे तो ये बन गया बी की 2 जमा 4 बी जमा 9 बी जमा 36 अंडर रूट इज इक्वल टू 25 आ गया। अब आगे चलें, ये 2 बी जमा 13 इस पूरी रकम को हमने क्या करना है, दूसरी साइड पर ले जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इसको ले जाए। तो हमारे पास ये बच जाएगा 2 इंटू बी की 2 जमा 13 बी जमा 36 अंडर रूट बराबर है 25 माइनस 2 बी माइनस 13। तो बी की 2 जमा 13 बी जमा 36 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 13 गए बाकी बच के 12 माइनस 2 बी। दो यहाँ से कॉमन ले लें राइट साइड से, तो ये बन गया 6 माइनस बी। अब इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें, जो लेफ्ट साइड वाला है और राइट साइड वाला, तो ये ख़त्म हो जाएगा 2। तो हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर जमा 13 बी
जमा छः 36 इज इक्वल टू 6 माइनस 2। अब दोबारा इसका लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी स्क्वायर ले लेना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ये जजर के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया बी की 2 जमा 13 बी जमा 36 इज इक्वल टू, अब इसका मुरब्बा ए की 2 माइनस बी वाला बी की 2 ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर लें। ये 36 जमा बी की 2 माइनस 12 बी आ जाएगा। अब इस 36 को दूसरी साइड पर ले जाए और B को भी दूसरी साइड पर ले जाए, B की 2 को भी, ये यहाँ से कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच जाएगा 13 B इज इक्वल टू माइनस 12 B। तेरह में से 12 गए, 13 जमा 12 25 हो गया इज इक्वल टू 0, तो बी हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हमने जो फर्ज किया था बी एक्स की 2 जमा 3 एक्स, यहाँ पर इसको दर्ज करते हैं। हमारे पास बन जाएगा एक्स की 2 जमा 3 एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारी 2 जहाँ से एक्स कामन आ जाएगा, एक्स जमा 3 आ गया इज इक्वल टू 0 बन गया, तो एक्स बराबर है 0 एक्स जमा 3 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू हमारे पास एक्स की 0 आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे एक्स की -3 आ जाएगी। यह था सॉल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल फॉर्म, यानी कि अगर हम दो रेडिकल फॉर्म में दी हुई रकमों को आपस में जमा करने और उनका हल सेट निकालने तो कैसे निकालेंगे, ये था इसका सॉल्यूशन। अब इसको हमने वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, एक्स की ये दोनों कीमतें निकली हैं, इसको बारी बारी इसमें पुट कर दें। पहली कीमत को हमने पुट किया, इस तरह यहाँ पर दूसरी कीमत को पुट कर दें, तो ये बन गया 9√4√ इज इक्वल टू 5, 3 जमा 2 बराबर है 5, डेट इज 2। अब इसी तरह हमने पुट -3 कर देना है, -3 की कमर दर्ज कर दी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -3 वो 0।